तो हेलो हीरोज, वेलकम टू अनदर गेम की वीडियो। तो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं इविल नन 2। तो जैसा कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि इविल नन में क्या होता है, बट जिन्हें नहीं पता इविल नन में क्या होता है, मैं उनको बताऊंगा भाई, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो हम अपनी गर्मियों की छुट्टी बिता के हम जाते अपने बोर्डिंग स्कूल की, तभी हमें पता चलता है कि हमारी जो नन है वो एक भूत है। तो गाइस, हम जैसे तैसे इविल नन से बच के तो आ जाते हैं, बट गाइस इविल नन 2 में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो नन है वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई है और उसने 3 मोटे मोटे चिकन भी पाल लिए हैं, जो कि इस गेम में हमारी परेशानी बढ़ाने वाले हैं। तो लेट्स गो गाइस, चलो चलते हैं गेम में बिना किसी देरी के। तो ओके गाइस, ये इंट्रो है भाई, ज़्यादा ही खतरनाक स्टोरी है, बट सुनते हैं गाइस तभी तो पता लगेगा ना कि क्या होता है। तो ओके गाइस, ये जो हमारी नन है वैसे पहले से तो सही हो चुकी है, पहले ज़्यादा ही खतरनाक लग रही थी। तो ओके गाइस, ये तो मतलब कि कुछ ज़्यादा ही पहले से, जिन जिनको पता होगा कि इविल नन, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी ना इविल नन, तो जाओ उसे देखो, तभी आपको पता लगेगा कि इविल नन में कैसी थी। और भाई इविल नन 2 में तो कुछ ज़्यादा ही सही है, वैसे डर तो नहीं लगेगा, बट इविल नन में तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ओके गाइस, ये किसी रूम में जा रही है, बट आई डोंट नो कहाँ जा रही है। ओके गाइस, तो ये चेयर पे बैठ गई भाई, ये क्या कर रही है। तो देखो भाई, ये भाई नन बिल्कुल डरावनी तो नहीं लग रही अब जैसे कि। तो ये कुछ इसकी आई थिंक डॉटर वोटर है क्या शायद में इसकी। ओके, कुछ इमेज है भाई, जला दी, बट अबे पागल क्यों हो रही है भाई ये। ओ भाई, ओके गाइस, तो इसने गेट बंद कर लिया, बट ये कहीं जा रही है। ओ भाई, why am I here? As long as you don't shut up for once, I'm going to let go of my little. तो गाइस, ये शायद मैं हमें बोल रही है कि अगर भाई हम बाहर निकले तो भाई हम तो गए। तो गाइस, जैसा कि मैं वो 3 मोटे मोटे बॉडी बिल्डर चिकन की बात कर रहा था, तो गाइस वो यही है। और आई थिंक गाइस, इस वाले बीच वाले चिकन का नाम है, इसका नाम मिस्टर सी आई थिंक। भाई दो को भी ले जाना, ये मैं एस्केप कैसे होऊंगा। तो भाई गेम अपनी स्टार्ट हो चुकी है, और ये क्या पड़ा है गाइस, पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैं इसे ले लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है हॉरर गेम में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं सारे ड्रॉअर चेक कर लेता हूँ भाई, बट वो आ ना जाए। और वो उसका चिकन भाई जो उसने ले गया यहाँ से, मिस्टर सी आई थिंक उसका नाम है, पता नहीं, बट मैं तो भाई मिस्टर सी बोलने वाला हूँ, जो भी उसका नाम हो। ओके गाइस, हमें यहाँ पे गन चाहिए क्या। अच्छा, गन में ये एक रिलोड होगी गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ है। ओ भाई, सीक्रेट आस्था है भाई, मुझे नहीं पता था भाई। और ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने कुछ सीक्रेट आस्था ओपन कर लिया है, जो कि आई थिंक ये बेसमेंट है शायद में गाइस, ये बेसमेंट है, पक्का बेसमेंट है भाई ये। और यहाँ पे ये कुछ चार्ट सा रखा हुआ है। तो ओके गाइस, मुझे यहाँ पे गन जोड़नी है, बट एक और मुझे इसका पार्ट चाहिए, जो कि आई डोंट नो कहाँ मिलेगा। ओके गाइस, ओके, मुझे दिख गया वो गन का पार्ट, मुझे दिख गया भाई, सब यहीं तो रखे पड़े यार। वैसे ही इस गेम में पहली बार ऐसा हुआ कि गन भाई पहले मिल गया, वरना और बाकी गेम में तो गन मतलब कि बहुत लास्ट में मिलता है, बट गाइस इस गेम में गन तो पहले मिल चुका है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि लगे हाथ उनको भाई बजा के भी आ जाता हूँ, टेंशन क्यों लेने का यार, आराम से भाई खेलेंगे, बट पहले उन्हें मार के आते हैं भाई, क्योंकि गन इस गेम में तो पहली ही मिल चुकी है यार, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट शायद में इसमें अभी एमओ रिलोड होगी, यानी वो एग रिलोड होगा, जो गाइस हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ये पहले रिलोड करते हैं, और आई थिंक इन चिकन से मुझे कोई ख़तरा नहीं है, ये शायद में यहीं रहेंगे।
और वो जो एक है भाई उससे तो खतरा ही है भाई। कहाँ हो, जल्दी जल्दी आ जाओ बस। कोई है तो नहीं ना, पक्का नहीं है ना भाई। अगर उसने धप्पा किया आगे से तो भाई मैं नहीं छोड़ने वाला, देख ले मेरे पास गन है। पर छोड़ो गाइस, अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि वो अभी मिलेंगे, लेकिन भाई आ जाए तो भाई मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं उन्हें एक रख के देने वाला हूँ एक। बट है भाई, है ही नहीं। तो ओके गाइस, ये मुझे कुछ कोड मिला है जो कि है 58 और 60। ये भाई मुझे याद रखना है कोड, मैं नहीं भूलने वाला। 58 और 60 था, बस ये मुझे कोड याद रखना है, पता नहीं कहाँ पे फील होगा गाइस। ये बकवास गन को भाई पहले फेंकते हैं, मतलब कि बकवास नहीं है गाइस ये, अभी बहुत ज़्यादा काम देगा। बट अभी वो मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। तो मैं जाने वाला हूँ गार्डन एरिया में। ओके ये खुल जाए लीवर से। ओके गाइस, तो ये टर्न होता है भाई, मुझे नहीं पता था। तो गाइस मैं जाने वाला हूँ गार्डन एरिया में, और जो कि काफ़ी प्यारी लोकेशन है वैसे। ग्राफिक तो भाई इस गेम के बहुत ज़्यादा सही है। और भाई क्या यहाँ पे कुछ है या फिर ऐसी फालतू। ओके गाइस ओके, मुझे कुछ मिला है। तो ये स्विच ऑन करने, ये भाई स्विच ऑफ करना था, मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हो जाएगी, लाइट जो बेसिकली जो लाइट जल रही है वो बंद हो जाएगी। तो मैंने दो कमरों का बंद कर दिया है, बट गाइस स्क्रीन पर शो कर रहा था चार कमरों का। बट तो गाइस यहाँ पे बैटरी है, बट इसे काटने के लिए आई थिंक मुझे कोई प्लार्स, हाँ प्लार्स चाहिए गाइस। बट आई डोंट नो मुझे कहाँ मिलेगा प्लार्स। तो ओके गाइस ये क्या है। तो गाइस ये रेसिपी है, 4 ड्रॉप हमें डालना है वाटर एंड 4 ड्रॉप इंक डालना है। एंड ये लास्ट टाइम क्या था यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके गाइस ये मैं बाद में भी देख लूँगा। ओ भाई आई थिंक ये भी कुछ सीक्रेट रास्ता, या हाँ गाइस हाँ पक्का सीक्रेट। बट ये बंद क्यों हो गया यार, ये बार बार बंद क्यों हो जा रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा, गुस्सा आ रही। ओ भाई खुल गया। तो गाइस इसमें कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट रास्ते हैं यार, और जो कि मैं घूम के यहाँ पे आ चुका हूँ। हाँ ये बढ़िया है भाई, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे इविल नन कभी दौड़ाया तो मैं यहाँ से आ सकता हूँ। ये तो भाई बहुत बढ़िया बात है। तू भी भाई, तू भी स्विच ऑफ हो भाई, ये भी स्विच को भाई डाउन करते हैं, जो कि सबके हो रखे तो इनके क्यों नहीं होंगे भाई, इनका भी होना ज़रूरी है। तो एक ये है, तो ओके गाइस इसको भी हमने बंद कर दिया, चारों रूम के स्विच मैंने बंद कर दिया है। बट इससे होगा क्या मुझे नहीं पता भाई, डिस्प्ले पे शो हो रहा था तो मैंने कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये कुछ काम की चीज़ मिल जाए यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है। तो ओके गाइस मुझे ये आई ड्रॉपर मिला है। भाई भाई मिस्टर सी आ गया, मिस्टर सी आ गया भाई, भागो भागो। ये भाई सी कहाँ से आ गया भाई, मिस्टर सी कहाँ से आ गया भाई, भागो भागो। अबे भाई मैं ट्रांसफ़र क्यों, ओ भाई पागल है क्या तू। ओ भाई इसे मैं चांटे मार सकता हूँ भाई। बे भाई ये अलग ही चोमू है भाई। अबे यार मेरे तो यहाँ से तो पहली बार ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, अभी दोबारा ना जग जाए, दोबारा ना जग जाए, अगर दोबारा जग, ओ भाई दोबारा जग गया। अबे क्या है, अलग ही टोपा है भाई ये। पहले मैं छुप जाता हूँ भाई, छुप जाता हूँ वरना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। बट पहले आई ड्रॉपर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ भाई ये, वरना अबे भाई ये आई ड्रॉपर छोड़, इसे मैं चाटे चाटे पार के पहले आई ड्रॉपर छोड़ भाई। तू तू भाई पहले मैं यहाँ से छुप जाता हूँ भाई, वरना ये तो मेरी बहुत ज़्यादा बुरा हालत करने वाला है। आई होप गाइस वो यहाँ पे शायद मैं नहीं आ सकता, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ गाइस तो वो चला गया गाइस, मैंने उसे पीछा छुड़ा लिया और ये आई ड्रॉपर उठाते हैं। तो ओके गाइस इस समय मैं तो ट्रांसफ़र हो गया, बट गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इविल नन या फिर मिस्टर सी होगा तो मैं यहाँ से नहीं आ सकता शायद में, ऐसा ही होगा शायद में आई थिंक, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बट इस आई ड्रॉपर का क्या यूज़ आने वाला है पता नहीं। बट हाँ बेसिकली मुझे ये पता है कि जब इससे हम कोई केमिकल को लिमिटेड क्वांटिटी में डाल सकते हैं गाइस। तो इस बार मैं जाने वाला हूँ भाई क्लासरूम में भाई, यहाँ पे हर एक जगह एक्सप्लोर करेंगे गाइस। और मुझे वो जो रेसिपी था आई डोंट नो, बट वो वाटर मुझे कहाँ मिलेगा, और इंक था, और आई थिंक एक चीज़ और थी जो मैंने ध्यान नहीं दिया। बट गाइस वो मुझे रेसिपी तो पता चल गया, बट उसका यूज़ क्या होगा आई डोंट नो गाइस। मुझे वाटर ढूंढना और इंक ढूंढना, और एक चीज़ और है,
ओके लेट्स गो गाइस, मुझे वाटर मिल चुका है, तो इसे मैं भाई लूँगा कैसे? मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है कि वो जो आई ड्रॉपर था भाई वो इसी के लिए पक्का। बट भाई पहले यहाँ तक आए हैं तो भाई इस घर को एक्सप्लोर, मतलब कि आई थिंक इस स्कूल को भाई पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये अलग, हम क्लासरूम में आ चुके हैं, तो लेट्स गो गाइस। ये डेस्क खुलती है और यहाँ पे मुझे इंक पोर्ट मिल चुका है और एक हमें पे सन ग्लासेस मिल चुका है, बट इसका यूज़ क्या आएगा आई डोंट नो गाइस। तो ये ग्लास मिल चुका है हमें, तो ये नया रूम भाई, ये रूम में ओके गाइस। तो अब मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। तो गाइस बेसिकली ये एक केमिस्ट्री लैब है जहाँ पे हम उस आई ड्रॉपर से वाटर और इंक डाल के और कुछ और चीज़ डाल के हम न्यू एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, बट ये नहीं पता कि उससे क्या होगा। बट ये जो मुझे चीज़ मिली है इसे भाई मैं अपने स्टोर रूम में रखने वाला हूँ। यू मीन गाइस वो जो हमारा है बेसमेंट में वही रखने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक इवेल नहीं आ सकती है, और ना अब भर में तो आ जाती है गाइस, जितना मैंने शोर किया है उसके हिसाब से तो अब भर में आ जाती है और मुझे चार लगा देती है। तो गाइस इसे यहीं पर फेंको और इसका बाद में जो भी यूज आएगा देख लेंगे। अबे फेंकना, ओके गाइस तो ये टूट चुका है, ये शायद मैंने ख़राब कर दिया क्या? आई थिंक मुझे लग रहा है मैं ख़राब कर दिया उसको। बट भाई चले पहले चलते हैं क्लासरूम में और हमें उस टॉयलेट में से वो वाटर उठाना। बट आई होप वो वाटर इससे उठ जाए, तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। वैसे जहाँ तक उम्मीद है भाई उठ ही जाएगा, बट पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते ना। तो ओके तो लेट्स गो गाइस, ये फील हो चुका है भाई, मुझे पक्का लग रहा था कि आई ड्रॉपर इसी के लिए है, क्योंकि गाइस आपने भी देखा होगा केमिस्ट्री लैब में ये सब चीज़ें भाई बेसिकली पता ही होना चाहिए सबको। तो गाइस चलो पहले चलते हैं भाई, पहले एक्सपेरिमेंट कर। ओ भाई मिस्टर सिंह यहीं था भाई, और मैं उसके आंखों के सामने से बच के आया हूँ भाई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी भाई उसके आंखों से, मतलब सामने से बच के आना। बट गाइस वो कुछ कर नहीं पाता है, बट वही बस अपना समय व्यर्थ करता है और इसके चक्कर में इविल नन भी आ जाती है, क्योंकि गाइस हॉरर गेम में तो आप लोग को पता है कि साउंड हुआ तो भाई गड़बड़ हुई, और आई थिंक वो चला गया साइड में। मैं तो भाई यहीं रहने वाला हूँ जब तक वो नहीं जाएगा, वेट कर लेंगे गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो चला गया हो तो ना चेक कर लेते हैं भाई। अब भर में चला ही गया होगा भाई वो। ओके गाइस तो इविल नन गई है दूसरे कमरा में, बट कोई बात नहीं भाई दूसरे रूम में गई है, मैं इस रूम से वहाँ चला जाऊँगा ना, वो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बट बस शोर ना हो तो अच्छी आप बात है। तो गाइस ये उस रूम में गई है, बट मैं भी तो इधर आ सकता हूँ ना शायद, में वो नहीं मिलेगी मुझे मेरे ख्याल से। ओ भाई यार कहाँ से आ गई भाई, रख दिया गड़बड़ हो गई भाई। तो ओके गाइस मुझे 2 नाइट और मिले हैं, और इनमें अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो भाई ये विलन मुझे नहीं छोड़ने वाली है। बट गाइस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने भाई शोर तो किया नहीं, तो भाई वो आ कैसे गई? आई थिंक मैंने शोर कर दिया था डोर खोल के। अब मुझे भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो जो गन है वो भी कोई काम की नहीं है यार, दिमाग ख़राब हो रहा है, मतलब पता नहीं काम की है या नहीं, अभी तो मैंने उसे एक बार भी यूज़ भी नहीं किया है। भाई दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ये इवेलन भाई मुझे रख के जो इसने मुझे मारा है ना, बस यही दिमाग ख़राब हो रहा है और कुछ नहीं। तो ओके गाइस ये टूटा हुआ है और यहाँ पे मुझे चाहिए एक, मतलब कोई भी चीज़ मुझे चाहिए, जैसे कि रूल ब्रेकर ब्रेकर कुछ भी चीज़ हमें चाहिए जो कि मैं वहाँ पे लगा सकता हूँ और वो लीवर ओपन हो जाएगा। तो गाइस मैं दोबारा जा रहा हूँ क्लासरूम में, और आई होप कि वो ना हो तो अच्छी बात है भाई। बट गाइस मुझे उस गन का यूज़ समझ नहीं आया, या समझ नहीं आया या तो फिर मैंने आई थिंक यूज़ नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब मैं गया था लास्ट टाइम गन लेके कोई मुझे वहाँ पे दिखा ही नहीं, आई थिंक कोई वहाँ पे रहता भी नहीं है, वरना आप भर में तो मिस्टर सी पक्का आ जाता भाई। तो के गाइस ये ड्रॉर है भाई, इतने ढेर सारे क्यों यहाँ पे ड्रॉर हैं भाई? पहले इस रूम में चलते हैं और वो आई ड्रॉपर उठा के भाई और अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके गाइस उठ जा उठ जा भाई, ऐसे मौका मौसम में ना तो उठते भी नहीं है, मतलब कि ऐसे मौके में क्या ही मैं बोलूँगा, इस जब उठता नहीं तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो ओके गाइस हमें यहाँ पे 4 ड्रॉप डालनी है भाई, कोई आ तो नहीं रहा ना कि रख के देने वाला है मुझे।
और गाइस ये इंक इंक भी डालते हैं भाई, पहले इसे फिल तो करते हैं। तो गाइस इसे भी हमें 4 ड्रॉप ही डालना है, तो भाई काउंटिंग करके डालेंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, पता चला कुछ अलग ही बन गया है जाए तो। ओके गाइस ये लास्ट टाइम ये भी मैंने ड्रॉ नहीं चेक किया था, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे हॉरर गेम में मुझे ये नहीं समझ आता, तो 4 चीज़ तो खाली रहेंगी। तो गाइस ये मैं लॉकर चेक करने वाला हूँ। ओके गाइस तो इन सब लॉकर में जब कुछ नहीं है तो भाई रखा क्यों है भाई ये। तो ओके गाइस आप लोग को याद होगा कि हमने हमारी जो रेसिपी थी वो हमें वाटर था और इंक था और एक चीज़ और थी, तो गाइस वो हमें ढूंढना है, वो आई डोंट नो भाई कहाँ मिलेगा। आई थिंक भाई ये रूम है यार इतने सारे हैं, तो मैं पहली बात तो मैं रूम का रास्ता ही भूल जा रहा हूँ, बट जैसे जैसे मैप हमें याद हो जाएगा वैसे भाई अच्छी बात है। तो ओके गाइस ये डेक्स भाई खोलते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना, जब इतने सारे डेक्स है और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है गाइस, जब कुछ नहीं है तो भाई यहाँ पे करने के लिए क्या है भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है अब। बट वो इविल नन ना आ जाए तो अच्छी बात है, वरना वो मुझे रख के देने वाली है, और वो एक उसका चिकन फालतू वाला भाई, उस घर से मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। तो ओके गाइस हमें यहाँ पे एक की मिल चुकी है, जो कि आई थिंक ग्रीन की है गाइस, ग्रीन हाउस की, जो कि ये मुझे लास्ट टाइम मुझे मतलब कि याद रहेगा, मैं यहीं छोड़ दूंगा इसे, जब अपनी ज़रूरत पड़ेगी तो भाई मैं यहाँ से उठा लूँगा, वैसे अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ओके गाइस यहाँ पे भी बहुत ढेर सारे लॉकर हैं, जो कि सारे लॉकर मैं चेक करने वाला हूँ बारी बारी से। भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं, मुझे पता था भाई जब सब में कुछ नहीं है तो फिर पता नहीं क्या किस लिए इतना रॉल लॉकर बनवा रखे हैं भाई। इसमें भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तू भी खुल भाई, इन सारों में भाई कुछ नहीं है, सब में कुछ नहीं है, इतने ढेर सारे लॉकर ही हैं भाई। तो गाइस मैं यहाँ पे सारे लॉकर में चेक करने वाला हूँ, क्योंकि एक भी लॉकर में छोड़ने थोड़ने वाला हूँ, सब चेक करेंगे भाई, सब A to Z, A to Z बोला था यार, तो मजाक किया था मैंने, ये तो रियल हो गए भाई। तो ओके गाइस जब तक मैं लॉकर चेक कर रहा हूँ, और आपको एक बात बताता हूँ कि गाइस बिग बॉस तो आपको पता ही होगा, और उसमें जो LB से आते हैं वो भी आपको पता होगा, और गाइस आपको वो भी पता होगा अदनान शेख, क्या नहीं पता, कोई बात नहीं गाइस मैं बताता हूँ ना, जिसके साथ थगेस की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, अब तो याद आ गया ना, टीम 07 के मेंबर, तो उन्होंने LB से यादव भाई को कुछ ऐसा बोल दिया था कि लड़कियों से अगर लड़ाई करना है बिग बॉस में तो चूड़ियाँ पहन के कर, क्योंकि गाइस LB से यादव मतलब कि कुछ अभी हो गया था ऐसा कि बोल रहे थे कि लड़कियों को मतलब कि LB से यादव भाई को लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती, तो गाइस ऐसा कुछ अदनान मतलब कि फालतू में उसमें घुसा है भाई, और LB से यादव भाई की भाई फ़ैन फॉलोइंग है, और अदनान की, अभी अभी आपको याद होगा कि LB से यादव भाई का मीटअप हुआ था, उसमें 10,000 लोग आए थे, और अदनान के बर्थडे में कोई 10 लोग नहीं आते हैं भाई, तो ये तो भाई फालतू में चक्कर में पड़ता है। ओके गाइस तो ओके गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुका है, और इसका नाम क्या है मैं भाई, तो ओके गाइस इसका नाम था ग्रीन पोशन, आई थिंक वो यही हो, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा ही लग रहा है कि ये केमिकल वही है। ओके गाइस जल्दी जल्दी चल भाई, जल्दी जल्दी चल भाई, जल्दी जल्दी, ये तो यहाँ के मुझे रास्ते नहीं याद रहते हैं पहली बार, तो ये भी चेक कर लेता हूँ भाई ये क्यों छूट रहा है। तो गाइस हाँ जैसा कि मैं कह रहा था, अदनान भाई उसे अगर जब भी कोई अगर मतलब कि उसे भूलने लगता है, तो वो यूट्यूबरों के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी कर देता है, ताकि वो फिर से भाई फेम में आ जाए, और जैसा मैंने बोला था 10 लोग तो आते नहीं है उसके बर्थडे में भी। तो ओके गाइस ये भाई पहले फिल करते हैं, 4 ड्रॉप डालनी आई थिंक। ओके गाइस तो यहाँ पे कुछ बन चुका है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, बट इसका क्या यूज आएगा भाई, पहले उठा लेते हैं भाई, उठा लेते हैं फिर बाद में देखेंगे क्या यूज आएगा, बट गाइस यहाँ मैंने लास्ट टाइम देखा था। ओके गाइस तो ब्रोकन रूल ये शायद मैं मुझे वहाँ पर लगाना है, जो कि वो लीवर की जगह पर ये काम दे सकता है। हाँ गाइस मैं पक्का श्योर हूँ ये वहीं लगाना है, और इसे लगा के भी आएंगे भाई, पहले तो ये अपने सीक्रेट टनल से चलते हैं, और भाई यहाँ से भाई चलने में इवेल नन को भाई ज़रा सा भी पता नहीं लगता, 1% भी। तो भाई जल्दी जल्दी चलो भाई, जल्दी जल्दी, बट भाई ये देख रहे हो
भाई यहाँ पे लगा देता, आई होप ये लग जाएगा गाइस। लग गया भाई, लग गया, काम हो गया अपना। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे अपना काम हो चुका है। अब ये खुलेगा भी कि ऐसे ही है ये? तो ओके गाइस, तो ये खुल चुका है, लेट्स गो गाइस। चलो चलते हैं भाई न्यू लोकेशन पे, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या काम की चीज़ें हैं भी या फिर ऐसी फालतू जगह ही है। ओके गाइस, फालतू जगह तो नहीं होगा, तो इस कबाड़ में छुपने का है वो मुझे पता है भाई। आगे बताओ ना, आगे आगे क्या है? तो किए गाइस, यहाँ पे कुछ अलग ही सीन हो रखा है ना। इस कबर्ड में भी हमेशा की तरह कुछ नहीं है यहाँ पे। जब इस हॉरर गेम में मुझे यही नहीं समझ आता, जब कुछ नहीं रहता तो रखते क्यों इतना ढेर सारा कबर्ड? फालतू में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो ओके गाइस, मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा भाई? अलग ही ग्लिच है। तो ये टेलीस्कोप है गाइस, जो कि यहाँ पे आई थिंक लेंस लगेगा। तो ओके गाइस, वो जो बैटरी है मुझे यहीं पे लगानी, ये इतना तो मुझे समझ आ गया। हाँ गाइस, पक्का पक्का, वो जो बैटरी है वो मुझे यहीं पे फिल करना है। तो लेट्स गो गाइस, पहले चलते हैं वो बैटरी लाते हैं भाई। बट उस बैटरी को काटने के लिए मुझे प्लार्स चाहिए, वो आई डोंट नो गाइस कहाँ मिलेगा भाई, ढूंढना तो पड़ेगा भाई। ये रास्ते रास्ते भाई यहाँ के बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पा रहा? ओके भाई, मुझे लगा फिर ही आ गई भाई, फिर मुझे रख के देने वाली है। तो ओके गाइस, आ चुका हूँ मैं अपने टनल वाले एरिया में। और भाई यहाँ पे देखते हैं कि भाई वो मुझे बैटरी उठाना था ना। चलो भाई चलो चलो चलो, कहाँ चले भाई ये? भाई मैं सोच रहा हूँ बैटरी उठाने से पहले इस गन का भाई यूज ही कर लेते हैं, आर पार मैटर करा देते हैं। नहीं, अगर भाई इस गन का कोई यूज होगा तब तो भाई ये सब लोग गए, अगर यूज नहीं होगा तो फिर इस गन को मैं फेंक के आने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये फालतू मैंने यहाँ पे इतना सारा दिमाग दौड़ा दिया है। ओके गाइस, ओके भाई, कोई मिल जाओ, कोई मिल जाओ, बस हो गया, एक बार मेरे से भाई ट्राई कर लो। ओके गाइस, तो ये चिकन आ चुका है, लेट्स गो गाइस। चलो चलो घर में, चलो घर में, चलो भाई बस ये आके रख ना दे। तो मार दिया क्या पे भाई, पागल है क्या? फालतू गन है यार ये। ओके गाइस, तो मेरे पास एक लास्ट नाइट बच चुकी है। अब अगर मैंने इसमें कुछ नहीं किया तो भाई गए काम से। ये फालतू गन है भाई, दिमाग खराब हो गया इस गन से, सच में फालतू। मैं इसे स्टार्टिंग से ही फालतू बोलते आ रहा हूँ और ये सच में ही फालतू गन है। और गाइस, वो एक्सपेरिमेंट का पता ही नहीं क्या हुआ, मुझे इसका कुछ पता ही नहीं चला कि उससे होता क्या है। तो हाँ गाइस, मैं जाने वाला हूँ गार्डन एरिया में और मुझे वहाँ से एक बैटरी लानी है, और उस बैटरी को मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आई डोंट नो गाइस क्या होगा, देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं। तो मैं जाने वाला हूँ अपने सीक्रेट रास्ते से, ओके, जो कि खुल जाए, हर बार ड्रामा करता है गाइस, बट इस बार खुल गया है भाई। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, समय नहीं है अपने पास। तो गाइस यहाँ पे, यहाँ यहाँ कहीं तो प्लाट्स मिल जाना चाहिए, लास्ट टाइम मैं यहाँ पे नहीं आया था भाई, यहाँ पे नहीं आया था शायद, नहीं नहीं आया था, आया था हाँ, रेसिपी चेक करने में यहाँ पे आया था, बट इस वाले लोकेशन पे नहीं आया था। यहीं पे प्लाट्स मिल जाए भाई। तो गाइस ये जो ग्रैनी, ओ सॉरी गाइस, मैं ग्रैनी बोल रहा हूँ, मतलब कि ये जो ईविल नन है ये कौन की भी खेती करती है क्या यहाँ पे साइथ में? हाँ गाइस, खाने पीने का कुछ नहीं होता हुआ तो ये कर लेती होगी। तो गाइस लेट्स गो, जो कि मैं ये बैटरी की बात कर रहा था, बट इस केबल को काटने के लिए हमें चाहिए प्लार्स, जो कि आई डोंट नो कहाँ मिलेगा, लास्ट टाइम मुझे यहाँ पे आई ड्रॉपर मिला था। और गाइस वो जो ग्रीन हाउस की है उसका भी पता नहीं क्या यूज़ है, और मैं भूल भी गया कि वो है कहाँ। तो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी। ओके गाइस, तो वो जो ग्रीन हाउस की था आई थिंक यहीं पे लगने वाला है वो। हाँ भाई यहीं लगने वाला है, यहीं लगने वाला भाई, पक्का मुझे पता है वो यहीं लगेगा, बट वो है कहाँ कि अभी तो मुझे याद भी नहीं है। आई थिंक किसी क्लासरूम में था शायद में गाइस ना, भाई देखते हैं देखते हैं, पक्का देखते हैं, क्लासरूम में ही था वो, मुझे पक्का याद है क्लासरूम में ही है वो, बट किस रूम में वो नहीं पता ना।
भाई चलो ढूंढते हैं ढूंढते हैं भाई ग्रीन हाउस की। मैं मुझे लास्ट टाइम यहाँ से ले आके मुझे इस अपने घर में रख देना चाहिए था, बट गाइस मैंने सोचा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया भाई, गड़बड़ हो गई। अब मुझे याद भी नहीं है, रास्ते भी यहाँ के ऐसे देख रहे हो भाई, मैं जाता हूँ इधर और उधर चला जाता हूँ। यहाँ के रास्ते भी भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब ख़राब क्या, मैं भूल जाता हूँ यहाँ के रास्ते ही। आई थिंक मैंने यहाँ पे देखा था क्या साइड में, हाँ इसी डोर में तो देखा था साइड में। आई होप गाइस ये नहीं है, मुझे पता था पक्का पक्का, मुझे पता था ये नहीं, बट ऐसा ही ड्रॉर था कोई, वहीं पे है भाई वहीं पे है पक्का वहीं पे है। तो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी, समय नहीं है भाई अपने पास, बिल्कुल ही समय नहीं है। बस आई होप गाइस इस ड्रॉर में मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना तो भाई कुछ नहीं होगा। ओके गाइस हमेशा एक तरह, मुझे पता है यहाँ पे भी नहीं है, बट गाइस मैंने इसी जैसे या इसी क्लासरूम में देखा था, आई थिंक वो गायब हो गया क्या, ऐसा भी होता है क्या यहाँ पे, मतलब कि जो भी चीज़ रहती है उसे उठाओ ना तो गायब हो जाती है। आई थिंक इस वाले क्लासरूम में भाई मिल जाए यार, कहाँ पे है यार ये, तो मैं रास्ते यहाँ के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले हैं। इस क्लासरूम में मैं कभी नहीं आया क्या, ऐसा लग रहा है। तो ओके गाइस लेट्स गो, मुझे मिल चुकी है, बंद क्यों हो गया भाई पागल है क्या। तो लेट्स गो गाइस मुझे मिल चुकी है भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। मुझे भाई उम्मीद नहीं थी अब ये मिलने वाला है, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी भाई इसे। अब मुझे कोई भी चीज़ है मैं डायरेक्ट उठा के अपने उस रूम में रखने वाला हूँ, सेफ रूम में भाई, क्योंकि यहाँ पे ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो जाता है, और तब भर में तो मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा। तो ओके भाई जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, समय नहीं भाई, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। चल चल जल्दी जल्दी चल, बस समय नहीं है, बस इवेल नन ना आ जाए बस हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके गाइस मैं आ चुका हूँ अपने सेफ हाउस में, और मैं जाने वाला हूँ गार्डन एरिया में, आप लोग को पता है गाइस अच्छे से। अब मुझे गार्डन एरिया में जाके मुझे की कहाँ लगानी है भाई, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, शायद में याद है ना, भूल गया भूल गया भाई भूल गया, पक्का भूल गया। अबे भाई इतना भौकाल मैंने क्यों मार दिया भाई, नहीं 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 गाइस याद है याद है, भौकाल की भौकाल वाली बात नहीं है भाई, याद है मुझे अच्छे से, बट ये लग क्यों नहीं रही यार, कि लग जा भाई। ओके गाइस लेट्स गो, ये यहीं की थी भाई, मुझे पक्का पता थी यहीं की। ओके गाइस तो मुझे यहाँ से प्लार्स मिल चुका है। ओके गाइस तो यहाँ पे इसे प्लार्स नहीं वायर कटर कहते हैं, बट गाइस मैं तो इसे प्लार्स ही कहूँगा, कौन सा इसे बुरा लगने वाला है और कौन सा ये सुन भी रहा है। तो मैं जाऊँगा अपने सीक्रेट रास्ते से, जो कि बिल्कुल ही शक नहीं होना चाहिए ना भाई, प्रोफेशनल लोग हैं यार ऐसे ही थोड़ी ना। तो ओके गाइस मुझे जा, अबे मैं घूम के उधर ही आ गया क्या, अबे भाई यार क्या अलग ही टोचन हूँ मैं भाई, मैं अलग ही चूरन हूँ, मैं जाने का इधर तो जा रहा हूँ उधर, बट जल्दी जल्दी चलो भाई, एक्साइटमेंट इतना हो रहा है ना तो मैं बहुत सारा गलत काम भी कर दे रहा हूँ, बट ये वायर कट जाए तो। ओके गाइस कट चुका और ये बैटरी मेरे हाथ में, और मैं जाने वाला हूँ भाई, निकल 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 भाई निकल। अभी यार ये क्या हो गया ये, ओ भाई ये कहाँ से आ गई यार, हो गई गड़बड़ हो गई, अभी मेरे साथ क्या करने वाली है भाई, क्या करने वाली है मेरे साथ। ओके गाइस इसके तीन चिकन है भाई, स्टोरी क्या पढ़ रही है गाइस, ये कुछ मंत्र पढ़ रही है। अरे यार इतनी ज्यादा गड़बड़ कैसे हो गई यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो इसकी भाई ये मंत्र बंद करवावा, मेरे कान में दिक्कत होने लगी। ओके गाइस अभी क्या करने वाली है भाई, बहुत ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बाजी में काम कर दिया और भाई पूरा काम खराब कर दिया मैंने भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है, बस इसकी चेहरा ही सही है। नहीं नहीं गाइस वैसा मत समझो, कहीं गलत ही सोच रहे हो भाई, ये क्या भाई पागल है क्या तू, ये भाई जिंदा जला दिया यार मुझे भाई, हो गई गलत पे, जिंदा कौन चलाता है भाई, आई थिंक इसने जला दिया है और ये गेम साइट में एंड हो गई है, साइट में एंड हो गई है गाइस, ये मुझे भाई ये पागल है क्या, मुझे जला कैसे सकती है। तो ओके गाइस ये गेम एंड हो चुकी है, और आई होप मतलब कि मैं इस गेम को एंड नहीं कर पाया, बट गाइस ये मैं आप लोग को वादा करता हूँ कि इस गेम को नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं इसको पार करूँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, और हाँ चैनल पे न्यू हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और बेल को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना गाइस।
और हाँ, जो मैं अदनान के बारे में कह रहा था वो गाइस बिल्कुल सही कह रहा था, बट उसे हेट मत देना गाइस, क्योंकि वो अलग ही एक्स टिकटॉकर जितने भी हैं टीम 07 के, कुछ कुछ तो समझदार है, कुछ कुछ तो एकदम ही चूरा ने गाइस, बट उन्हें हेट मत देना। तब तक ले गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।